हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव पोर्शन कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का पहले भी हमने रोल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में यूज कर रखा है और उस टाइम पर बताया था कि ये जो यूज हम कर रहे हैं उसकी डिटेल बात हम कंटिन्यूटी टॉपिक में करेंगे। यूज क्या था आपको याद होगा, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में हमने बताया था पॉलीनोमियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल। तो ये यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो हमको आज देखना है कंटिन्यूटी टॉपिक में। जनरली हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि टॉपिक तो कंपैरेटिवली इजी है लेकिन स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम होता है। यानी स्टूडेंट समझ तो जाते हैं कि क्या करना है लेकिन जो रिदम चाहिए, जो लिखने का पैटर्न चाहिए, वो पैटर्न को स्टूडेंट प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस घट जाते हैं। तो आपको प्रॉपरली मेथड पर कॉन्सेंट्रेशन करना है ये टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। आज हम थोड़ा बेसिक ले रहे हैं, आज बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, स्लोली स्लोली कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी क्या है, कैसे उसको फाइंड करना है, वो आज हम सीखेंगे। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हमको याद करना है लिमिट। अगर लिमिट आपको याद नहीं है तो थोड़ा इलेवेंथ में जो हमारा लिमिट पोर्शन था उसको आपको देख लेना है। लिमिट की नोटबुक होगी, लिमिट करवाया है, उसको देख लेना है। तो आपको लिमिट में जो टाइप्स आती थी वो टाइप्स माइंड में आ जाएगी, जो कि हमको टाइप का ज्यादा यूज यहाँ पर नहीं करना है, डायरेक्टली ज्यादा करना है, फिर भी वो लिमिट को आप देख लेना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी में जो जरूर परख पड़ने वाली है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, दैट इज द राइट हैंड लिमिट, RHL। तो ये RHL क्या है, राइट हैंड लिमिट। आपको पता हो तो हमने 11th में ये करवाया था, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का सिंबल क्या है, तो x टेंड्स टू a प्लस लिमिट f ऑफ x, दिस इज द सिंबल ऑफ राइट हैंड लिमिट। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, लेकिन ये वाला फॉर्म जो मैं दूसरा लिख रहा हूं ये ज्यादा यूज हम नहीं करते, हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्म, x टेंड्स टू a प्लस लिमिट f ऑफ x, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। नाउ अब राइट हैंड लिमिट का रूल क्या है, हम किस तरह से इसको फॉलो करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई अगर नहीं करना है तो उसको अप्लाई करने का दूसरा रूल ये भी है। नाउ कॉन्सेंट्रेट वंस अगेन, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके ये टॉपिक हमको सीखना है। सबसे पहले हमको जो कंटिन्यूटी में रिक्वायरमेंट है वो RHL राइट हैंड लिमिट का यूज है, उसका जो सिंबॉलिकली फॉर्म है दैट इज x टेंड्स टू a प्लस लिमिट f ऑफ x है, और a प्लस जीरो भी लिख सकते हैं लेकिन a प्लस जीरो का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो हम अभी हमारा एज ए सिंबॉल ये पार्ट ही यूज करेंगे। अब RHL को हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है तो उसको अप्लाई करने का दूसरा रूल है, सब्स्टिट्यूट और पुटिंग x इक्वल्स टू a प्लस एच ओवर हियर, पुटिंग और सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a प्लस एच ओवर हियर। तो अगर x को हम a प्लस एच से रिप्लेस करते हैं तो फॉर x टेंड्स टू a प्लस हमारी जो लिमिट है वो हो जाती है h टेंड्स टू जीरो। तो हम जहां पर ये RHL का यूज करेंगे तो x टेंड्स टू a प्लस की जगह पर हम लिखेंगे h टेंड्स टू जीरो लिमिट, और f ऑफ x की जगह पर रखेंगे a प्लस एच। यानी ये जो x टेंड्स टू a प्लस लिमिट f ऑफ x है, जो ओरिजिनल फॉर्म है,
उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। तो x को अगर a प्लस एच से रिप्लेस किया तो x टेंड्स टू a प्लस को रिप्लेस करेगा h टेंड्स टू जीरो, तो उसका न्यू फॉर्म हो जाएगा h टेंड्स टू जीरो लिमिट f ऑफ a प्लस एच। अब हमको क्या करना है, ये फंक्शन के अंदर h अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो h टेंड्स टू जीरो को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ज्यादा वर्किंग क्या है वो हम एग्जांपल में भी देखेंगे। RHL को कैसे करना है, तो वंस अगेन एक तो उसका डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं x टेंड्स टू a प्लस लिमिट f ऑफ x। अगर डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई नहीं करना है तो x को रिप्लेस करना है, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है a प्लस एच को। तो x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा h टेंड्स टू जीरो और हमारे पास नया फॉर्म ऑप्टेन होगा h टेंड्स टू जीरो लिमिट f ऑफ a प्लस एच। अब ये तो डेफिनेशन हुई, उसका प्रैक्टिकली यूज हम एक एग्जांपल में भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमको जो रिक्वायरमेंट है फॉर द कंटिन्यूटी दैट इज एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है उसको अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो x टेंड्स टू a माइनस लिमिट, यहां पर जो x टेंड्स टू a है या x टेंड्स टू a है उसके पीछे प्लस, जो a के पीछे प्लस लिखते हैं दैट इज द सिंबल ऑफ आर एच एल, और a के पीछे जो माइनस लिखते हैं दैट इज द सिंबल ऑफ एल एच एल। ये प्लस को जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, मीन्स a प्लस नीचे भी लिख सकते हैं, a माइनस नीचे भी लिख सकते हैं f ऑफ x। अब ये यहां पर ये हुआ डायरेक्टली हमारा एल एच एल, ये डायरेक्टली फॉर्म है। अब उसको थोड़ा सिंपलेस्ट और थोड़ा सा अलग टाइप से लिखना है तो हम लिखेंगे पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इन द प्लेस ऑफ x a माइनस एच। यहां पर याद रखने के लिए ये जरूरी है कि a प्लस हो तो a प्लस h लिखना है और a माइनस हो तो a माइनस h लिखना है। तो ये हमारा जो x टेंड्स टू a माइनस है वो हो जाएगा h टेंड्स टू जीरो और जो हमारा नया फॉर्म बनेगा वो बनेगा h टेंड्स टू जीरो लिमिट f ऑफ a माइनस h। अब इसका वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है, ऐसे तो हमने 11th में उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है लेकिन अभी हम जब सम करेंगे समझाने के लिए तब LHL और RHL का प्रॉपरली सम के अंदर यूज करके बताएंगे। ये चीज हमारे आज की बेसिक है कंटिन्यूटी के लिए, RHL और LHL बेसिक है। तो वंस अगेन RHL क्या है, x टेंड्स टू a प्लस लिमिट f ऑफ x। अब ये याद रखने के लिए आप नंबर लाइन को भी रिमाइंड कर सकते हो, जैसे नंबर लाइन में प्लस लेना है तो प्लस हम कौन सी साइड पर लेते हैं, तो RHS साइड मीन्स राइट हैंड साइड पर हम प्लस लेते हैं। तो RHL हुआ a प्लस, प्लस वाली साइड हुई राइट हैंड लिमिट। वैसे ही हम माइनस कहां पर लेते हैं नंबर लाइन में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा नेगेटिव पार्ट होता है तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब हम कंटिन्यूटी में जाते हैं कि इसका कंटिन्यूटी में यूज क्या है। तो इसका कंटिन्यूटी में यूज ये है कि अगर कंटिन्यूटी में हमारा यूज ये है कि अगर RHL मिल रहा है, अगर LHL मिल रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे यूज करना है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपने RHL देखा, आपने LHL देखा, अब हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी टेस्ट में ऐसे बुक में तो नहीं है लेकिन हमने उसको दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टाइप वन, अगर आपको ओनली फंक्शन दे रखा है
अगर आपको ओनली फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है और कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, वो चेक करना है, तो उसकी कंटिन्यूटी की फॉर्मूला क्या है? तो उसकी फॉर्मूला है x टेंड्स टू ए लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन फंक्शन ओनली गिवन है, फंक्शन के साथ दूसरा कोई टर्म्स नहीं है, तो इन दैट केस x टेंड्स टू ए लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर ये हमको मिल जा रहा है तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। स्टूडेंट, ये टॉपिक में जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जब इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन में ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो सेंटेंस यूज कर रहा हूं, वो प्रॉपरली हमको अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए, लेकिन उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्रॉपरली सुनो, ध्यान से देखो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरी 100% अंडरस्टैंडिंग उसकी एग्जाम्पल के साथ हम जब डिस्कस करेंगे तब आएगी। तो RHL लिया, LHL लिया और उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं टाइप वन की, और टाइप वन हमारा क्या है? ओनली फंक्शन गिवन, देन हाउ टू डिस्कस कंटिन्यूटी। तो द फॉर्मूला इज x टेंड्स टू ए लिमिट f ऑफ x that is equals to f of a, then the function is continuous at x equals to a। अब ये क्या है, कैसे फाइंड करना है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, f of x equals to 2x minus 3, और हमको ये इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है at x equals to 0। ये फंक्शन है, ओनली फंक्शन गिवन, और x इक्वल्स टू जीरो के आगे उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो और नॉट। तो ये हुआ हमारा टाइप वन, ओनली फंक्शन गिवन दैट। नाउ अब हम जाएंगे x टेंड्स टू जीरो, a मींस क्या, कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a, तो a को रिप्लेस करता है जीरो, तो हम लेंगे x टेंड्स टू जीरो लिमिट f ऑफ x। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो हुआ x टेंड्स टू जीरो लिमिट 2x माइनस 3। नाउ आपको याद होगा लिमिट में अगर डिनोमिनेटर नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो जो भी टेंड्स टू जीरो यानी जो भी गिवन होता है वो डायरेक्टली लिमिट में एंटर होता है, तो 2 इंटू जीरो माइनस 3 दैट इज माइनस 3। और ध्यान से देखो तो माइनस 3 आंसर हमको f ऑफ 0 पर भी मिलेगा। तो यहां पर हमने प्रूफ किया x टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 के आगे कंटिन्यूअस है। तो जब ओनली फंक्शन गिवन होगा और हमको डिस्कस करना होता कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू समथिंग, तो डायरेक्टली फंक्शन को यूज करना है, हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया है। ये हुआ हमारा टाइप नंबर वन। नाउ वंस अगेन कंटिन्यूटी प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो, जो वीडियो है प्रॉपरली उसको सुनो। समरी में भी इसका डिटेल में मैंने असाइनमेंट बना रखा है, उसकी समरी बना रखी है, तो दोनों को साथ में लेके वर्क करोगे तो कंटिन्यूटी इजी टॉपिक है और वो इजी टॉपिक आप इजीली लिख पाओगे। तो यहां पर हमने टाइप वन की कंटिन्यूटी डिस्कस की है। नाउ कंटिन्यूटी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें हम जाएंगे टाइप टू में। अब हम ज्यादा यूज टाइप टू का करने वाले हैं, तो टाइप टू की सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है? स्टूडेंट अपने माइंड में ये आइडेंटिटी सेट कर लो कि ओनली फंक्शन गिवन होगा तब हम जाएंगे टाइप वन में, और टाइप वन में हम कैसे जाएंगे वो अभी हमने बताया। फंक्शन गिवन है और x इक्वल्स टू जीरो के आगे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है,
तो द फॉर्मूला इज एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एफ ऑफ एक्स. तो एक्स टेंस टू जीरो लिमिट ओनली फंक्शन गिवन है 2x-3, उसमें लिमिट एंटर करनी है क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है और वो जो आ रहा है वो एफ ऑफ जीरो आ रहा है. तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. अब टाइप टू की सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है? तो टाइप टू की आइडेंटिटी है जो फंक्शन गिवन होगा वो फंक्शन इनइक्वालिटी फॉर्म में गिवन होगा. यानी यहां पर फंक्शन जो गिवन होगा उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का यूज किया होगा. तो अगर फंक्शन में इनइक्वालिटी का यूज है तो वो कंटिन्यूटी डिस्कशन जो हमारा होगा वो टाइप टू से होगा. और टाइप टू से जो हम डिस्कशन करेंगे, सपोज फंक्शन ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म में गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे टाइप वन का फॉर्मूला है एक्स टेंस टू ए लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. तो टाइप टू का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी एक्स टेंस टू ए प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज एक्स टेंस टू ए माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स. अगर ये तीनों तीन पार्ट सेम आ रहे हैं यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों तीन पार्ट अगर सेम आ रहे हैं तो ये होगा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए. अदरवाइज अगर ये सेम नहीं है, कोई भी एक पार्ट सेम नहीं हो रहा है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए. स्टूडेंट ध्यान रखना है, सबसे पहले हम आर एच एल फाइंड करेंगे, एल एच एल फाइंड करेंगे. अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर एफ ऑफ ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए. तो टाइप टू में वंस अगेन हमको सबसे पहले देखना है कि फंक्शन अगर ग्रेटर देन लेस देन फॉर्म में गिवन होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो वो हुआ हमारा टाइप टू. टाइप टू में हमको क्या फाइंड करना है? आर एच एल, एल एच एल. अगर वो दोनों सेम है तो फिर हम एफ ऑफ ए भी फाइंड करेंगे. और ये तीनों अगर सेम है तो वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए. अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए. तो ये हुआ हमारा टाइप टू. अब इसकी एक एग्जाम्पल लेके हम प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप टू कैसे होता है. टाइप वन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब टाइप टू की मैंने डेफिनेशन दे दी है, अब डेफिनेशन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. तो द एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3 2x-3 x लेस देन और इक्वल टू 2x > 2. अब ये फंक्शन को हम को x इक्वल्स टू 2 के आगे कंटिन्यूअस है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर टाइप वन में ओनली फंक्शन था, कोई ग्रेटर देन नहीं, कोई लेस देन नहीं, कोई इक्वल टू नहीं. जबकि यहां पर जो फंक्शन है वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई है कि यहां पर फंक्शन के साथ में हमको एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल्स टू 2 के आगे कंटिन्यूटी चेक करने को बोला है. तो ये हो गया हमारा पर्टिक्यूलर टाइप नंबर 2. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. नाउ तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इट इज अ टाइप 2, तो आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले हम एल एच एल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक्स टेंस टू 2-लिमिट एफ ऑफ एक्स. अब
यहां पर आपको इजीली प्रोनाउंस करना है, x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2। तो यहां पर प्रोनाउंस करने के बाद द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2, 2 माइनस का मतलब होता है 2 से कम। सो द फंक्शन इज x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट 2x+3, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इतना लिखना आ गया तो समझ लो हमारा 50% काम पूरा हो गया। तो x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट 2x+3 प्रोनाउंस करना है, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2 और उसको हमको देखना है फंक्शन, गिवन फंक्शन के अंदर। तो इसके लिए वैल्यू 2 से, x की वैल्यू 2 से कम के जो है उसका फंक्शन है 2x+3। अब इसमें हम डायरेक्टली भी एंटर हो सकते हैं, अगर डायरेक्टली एंटर नहीं होना है तो हम उसको एच वाला फॉर्म भी दे सकते हैं। तो दोनों को हमको फॉलो करना है, कभी डायरेक्टली जा सकते हैं, कभी एच वाला फॉर्म जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस बुक में है उसमें कभी उन्होंने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट यूज किया है, कभी उन्होंने एच को सब्स्टिट्यूट करके अप्लाई किया है। तो हमको दोनों चीज सीखनी है, डायरेक्टली भी जा सकते हैं और बाय मेथड जो सब्स्टिट्यूटिंग वाला मेथड है उससे भी जा सकते हैं। तो अभी हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से जाते हैं। तो यहां पर हम लेंगे x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, x इक्वल्स टू 2 के आगे डिस्कशन करना है तो x इक्वल्स टू 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच के लिए x टेंड्स टू 2 माइनस को रिप्लेस करेगा हमारा h टेंड्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 माइनस एच को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x। तो x टेंड्स टू 2 माइनस हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो लिखा जाएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट, ये जो फंक्शन 2x+3 है उसमें x को रिप्लेस करना है 2 माइनस एच से। तो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0 लिमिट, ये 2 2 2 4 प्लस 3 यानी 7 माइनस 2h। अब डिनोमिनेटर नहीं है तो लिमिट डायरेक्टली अंदर एंटर हो सकती है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, सो द आंसर इज 0। तो स्टूडेंट ये एक मेथड है जहां पर हम x को रिप्लेस करते हैं। तो रेफरेंस बुक में मोस्टली सम में ये वाली मेथड दे रखी है, लेकिन अगर 2 फंक्शन आइडेंटिफाई करके h वाला टर्म्स अंदर एंटर ना करे और डिनोमिनेटर नहीं है और लिमिट को डायरेक्ट अंदर एंटर कर देंगे तो भी चलता है, लेकिन मोस्टली रेफरेंस बुकों में ये मेथड दे रखी है तो इसको हम सीखेंगे। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिपीटेड प्रोसीजर है, एक बार सीख गए तो बार बार इसको यूज हम कर सकते हैं। तो LHL का आंसर हुआ हमारा 7। नाउ उसके बाद हम RHL लेंगे, राइट हैंड लिमिट। सिंबल है x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट f(x). प्रोनाउंस करना है x की वैल्यू 2 से ज्यादा, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड द फंक्शन इज, यहां पर ऑब्जर्वेशन करो 2x-3। तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट 2x-3। तो ये हमारा फंक्शन हुआ, 50% काम हमारा पूरा हुआ। अब हम अकॉर्डिंग टू जाएंगे, x इक्वल्स टू यहां पर उसको रिप्लेस करेगा 2 प्लस, याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड में हम x को रिप्लेस करेंगे, जो पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है वो माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मींस नेगेटिव साइड, राइट हैंड लिमिट दैट मींस पॉजिटिव साइड प्लस साइड, सो 2 प्लस एच लर्न बाई हार्ट ही कर देना है। रिप्लेस क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 2 है तो 2, एट x इक्वल्स टू 3 है तो 3, h प्लस
और एच माइनस तो हमेशा एज इट इज रहेगा, तो एक्स टेंस टू टू प्लस को रिप्लेस कर देगा, टू प्लस को रिप्लेस कर देगा एच टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा एच टेंस टू जीरो लिमिट, जो हमारा फंक्शन है वहां पर एक्स के प्लेस में आ जाएगा टू प्लस एच और माइनस थ्री, सो ये हो जाएगा एच टेंस टू जीरो लिमिट, ये हो जाएगा हमारा फोर माइनस थ्री यानी वन प्लस टू एच, और डिनोमिनेटर नहीं है तो एच डायरेक्टली अंदर एंटर होगा, वन प्लस टू इंटू जीरो दैट इज इक्वल्स टू वन। अब यहां पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें तो एल एच एल डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल हो रहा है, तो हमको एफ ऑफ टू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू, बिकॉज एल एच एल डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। तो स्टूडेंट ये मेथड है जिससे हम ये जो आर एच एल और एल एच एल है उसका डिस्कशन करके एल एच एल फाइंड किया आर एच एल फाइंड किया, सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यू, सेम है तो कंटिन्यूअस। नाउ स्टूडेंट समरी प्रॉपरली मैंने लिखी हुई है, होमवर्क गिवन है, अब आपको ये काम करना है आज का टॉपिक ये सीखने के बाद वीडियो को ध्यान से देखना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग लेना है, अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंटिन्यूटी को कंटिन्यूस करने वाले हैं, तो आपको जो होमवर्क गिवन है उसमें से फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ सम ट्राई करना है, थर्ड सम अभी ट्राई नहीं करना है, तो प्रॉपरली वीडियो को देखो, वीडियो को सुनो, अंडरस्टैंडिंग करो और मेथड को माइंड में लाने का ट्राई करो, जब तक मेथड माइंड में नहीं आएगी तब तक कंटिन्यूटी लिख नहीं पाओगे, तो अभी आपको जस्ट ये करना है कि जो होमवर्क में मैंने 1 2 4 5 सम दे रखे हैं उसको ट्राई करना है और टॉपिक को क्लियर करना है, कंटिन्यूटी के ज्यादा सम ज्यादा प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे।